जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी के अवसर पर अगर बाल गोपाल की पूजा करते समय कुछ उपाय भी कर लिए जाते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जैसे आपके गृहस्थ जीवन में संतान सुख की कमी है या जिनको पहले से ही पुत्री है, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है, ऐसे दंपतियों को या वैवाहिक कार्य में रुकावट है, परिवार में ग्रह कलेश रहता है, नौकरी नहीं लग रही, कैसी भी समस्या हो, जन्माष्टमी के दिन केवल छोटे से उपाय को करने मात्र से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म का जब अवतार हुआ था, और वो भी हमारे बाल गोपाल सच्चिदानंद, जो केवल खट्टी छाछ से भी रिझ जाते हैं, माखन मिश्री से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी दल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान के अवतार के दिन प्रत्येक भक्तों के कष्ट दूर हुए थे, भक्तों के घर में सुख समृद्धि का वास हुआ था, और तामसी तमोगुणी जो प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति, उनको हानि हुई थी। अगर जन्माष्टमी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो जो परेशानी है, कष्ट है, उन सबका विनाश होता है, दुर्गणों का नाश होता है, परमात्मा का आपके हृदय में, आपके घर में वास होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जन्माष्टमी की रात्रि के समय पर, अर्ध रात्रि पर आपको बस इस उपाय को करना है। जिस समय 12 बजे पर, जन्माष्टमी की रात के 12 बजे आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, लड्डू गोपाल का अभिषेक किया, उसके बाद में भगवान को भोग लगा रहे हैं, उस समय माखन मिश्री का भोग लगाते समय एक बांसुरी लेकर के, हरे बांस की बांसुरी लेकर के आपको भगवान को अर्पण करनी है। अरे बांसुरी का हरा रंग नहीं है, बांस की है, कोई बात नहीं है, बांस की बांसुरी अर्पित करनी है, और इसके साथ में आपको एक कागज लेना है, उस कागज को हल्दी से पीला कर लें, प्लेन कागज होना चाहिए वाइट, या पीले रंग का कागज हो, और उसके ऊपर लाल पेन से आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। पहले से मंत्र को लिखना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मां मंत्र को लिख करके अपनी मनोकामना लिख देनी है, और मनोकामना लिख करके संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम देवकी सुते गोविंदा वासुदेवा जगतपते दे मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करके उस कागज को फूल करके अर्जी जो है भगवान बाल मुकुंद के चरणों में रख देनी है। उस अर्जी को दूसरे दिन आप उठा करके अपने घर की तिजोरी में संभाल करके लाल कपड़े में बांध करके रख दें। मनोकामना पूरी होने पर आपको जो है भगवान का जन्मोत्सव छठी बड़ी उत्साह के साथ मनाना है, और अपनी जो सेवा है जहां पर आप मानते हैं वहां सेवा अवश्य देनी है। भक्तजनों, केवल छोटे से उपाय को आपको करना है, इसके साथ में हम और भी उपायों की जानकारी देंगे, आप प्रत्येक वीडियो पर बने रहें। इसके साथ हम अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष से संबंधित राशि फल, राशियों का फलादेश, किस राशि को कैसा रहने वाला है, इसकी भी जानकारियां शुरू करने जा रहे हैं।
सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जय श्री कृष्णा।